बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला अलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ़ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा नाम, एक ऐसा सिफाती इस्म आज़म जो सात आसमानों और ज़मीनों से बड़ा है, एक ऐसा अमल जिससे गुर्बत तंगदस्ती का नामो निशान मिट जाता है, जिससे घर की परेशानियाँ, मुसीबतें, रिकावटें, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। आज हर कोई परेशान है रिज़्क़ की कमी की वजह से। अलवालो, बेशुमार तहकीक के बाद साबित हो चुका है कि रिज़्क़ यानी दौलत और रोज़गार ही कामयाबी का वाहिद ज़रिया है। और राज़िक़ कौन है? रासिक रब है, खालिक भी रब है। उस जात की मर्सी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता, फिर क्यों लोगों से मांगते हो, फिर क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हो, फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो। अल्लाह वालो, आज एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करूँगा जिसे सिर्फ 90 times आपने बड़े वजीफे, बड़े अमाल किए होंगे, लेकिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास तादाद में ख़ास बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ा जाता है, फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जो मांगोगे मिलता चला जाएगा, आपकी तिजोरियां, आपके ख़जाने छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन रब की रहमतों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो ज़ात जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अलवालो, आप में से जो कोई बेरोज़गार है, रिज़्क़ की तलाश में मारा मारा फिर रहा है, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, एक बार यकीन कामिल से बस एक बार ये वसीफ़ा पढ़कर देख ले, दोबारा कभी किसी और वसीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मकरूज हैं, कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, एक बार ये वसीफ़ा पढ़कर देखिए, करोड़ों का कर्ज फौरी ख़त्म हो जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपके घर में औलाद की कमी है, औलाद के ताने सुनकर थक चुके हैं, ससुराल में इज्जत की कमी है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी को अपने हाथ में लेना चाहते हो, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हो, नाफरमान औलाद को, नाफरमान शोहर को उंगली के इशारे पर चलाना चाहते हो, तो एक बार यह वसीफ़ा पढ़कर देखिए। अलवालो, इस वजीफे में, इस अमल में जिसे सात आसमानों और ज़मीनों से बड़ा इस्म आज़म कहा जाता है, इतनी ताकत है कि मुंह से मांगे हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप में से कोई बंदा अगर नामुमकिन हाजत के लिए परेशान है, कोई ऐसा मकसद जो सालों से पूरा नहीं हो रहा, वो आज एक दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, कभी रब से मांग कर तो देखो। आइए, जो बंदा अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को गैबी ख़जानों से पूरा करना चाहता है, वो इस अमल को अच्छे तरीके से समझ ले। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। और बहुत जल्द एक लाइव चैट का इंतमाम किया जाएगा, जिसमें आप डायरेक्ट अपने मसाइल का, अपनी परेशानियों का, अपनी मुसीबतों का जिक्र करते हुए, मशवरा करते हुए वज़ाइफ और तस्बीहात डायरेक्ट मुझसे खुद पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह, कमेंट्स में अपने मसाइल पेश कीजिए, ताकि आपको आपके जवाब वक्त के मुताबिक फौरन दिए जाएं। अलवालो, वसीफ़ा क्या है? ऐसा कौन सा इस्म आज़म है जिसे सिर्फ 90 पढ़ने से मेरा रब तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, हर हाजत को पूरा कर देता है? अलवालो, आपने ये वसीफ़ा घर के खामोश कोने में बैठ कर पढ़ना है, क्योंकि जब कोई आपको हाजत हो, अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत बनाइए, जिसके लिए खामोशी बेहतरीन हल है। खामोशी में दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करते हुए
रब की बारगाह में बैठते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़िए। दरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नीयत कीजिए। नीयत लाजमी है, जब तक कोई बंदा अपने मकसद की नीयत करके नहीं बैठता कामयाबी मुकद्दर हो ही नहीं सकती। अपने मकसद की नीयत करते ही वहीं बैठे आँखों को बंद कीजिए, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ। आपको नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटियाँ, रिश्तों के लिए मनपसंद शादी के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए नीयत करके बैठ जाइए कि मौला करीम ये हाजत पूरी होनी चाहिए। नीयत करते ही वहीं बैठे आँखों को बंद कर लीजिए और एक नाम या असीसु या जब्बार को पढ़ना शुरू कीजिए। ये रब काबा के दो सिफाती नाम हैं, या अजीजू या जब्बारू। 100 दानों की तस्मी नहीं पढ़नी, 121 बार नहीं पढ़ना, आपने 90 बार पढ़ना है, 90 टाइम्स पढ़ना है। और जो बंदा 90 बार इन दो कुरानी लफ्ज़ या अजीजू या जब्बारू को पढ़ेगा, या अजीजू या जब्बारू रब काबा के दो सिफाती नाम है, या अजीजू से मेरा रब कामयाबियाँ, इज्जत, दौलत, शोहरत और हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है, या जब्बार उसे मेरा रब रास्ते की रिकावटों को, बंदिशों को, ताकतवर दुश्मन को निस्तो नबूद फरमा देता है, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाती है। अल्लाह वालो, या असीजु या जब्बार रब के दो ऐसे सिफाती नाम हैं जिन्हें पढ़ने वाला आज तक किसी का मोहताज नहीं रहता। 90 बार हर कोई पढ़ सकता है, घर के बच्चे बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर कोई सख्त मुश्किल है, परेशानी है, मुसीबत है, आप जल्द उस मुश्किल परेशानी से जान छुड़ाना चाहते हैं, घर के तमाम अफराद खामोश कोने में बैठकर इकट्ठे 90 बार या अजीजू या जब्बार को पढ़ना शुरू कीजिए। फिर देखिएगा इस इज्तमाई जिक्र से फरिश्ते ज़मीन पर आ जाएंगे, रिस्क दौलत और कामयाबियां छोड़ जाएंगे। अल्लाह वालों, हो सके जिसके कारोबार में तरक्की नहीं है, जिस दुकान पर गाहक नहीं आता, जिस कारोबार में बंदिश है, जिस काम में रिकावट है, जिस काम में बंदिश है, जहां मुसीबतें परेशानियां हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ या अजीज़ू या जब्बारू को हाथ की उंगलियों पर 90 बार पढ़ कर देखिए। यह ख़ास वसीफ़ा है, ख़ास तादाद में पढ़ा जाता है, और जो बंदा बताए गए तरीके से 90 बार या अजीज़ू या जब्बारू पढ़ कर रब से मांग लेता है, मेरा रब गैबी ख़जानों से 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है, हर मुश्किल परेशानी का खातिमा फरमा कर आने वाली नस्लों को आबाद फरमा देता है, जो सालों से नहीं मिल सका वो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। खुदारा ये वसीफ़ा ख़ुद भी कीजिए, दूसरों को बताइए। इस अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और अपना पूरा नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको आपके पूरे नाम के साथ इजाज़त दी जा सके। 3 बातों पर अमल करना ज़रूरी है। पहली बात, यह वसीफ़ा घर के खामोश कोने में पढ़ना है। दूसरी बात, रात 9, 10, 11 तहज्जुद हो जाए। आपने ये वसीफ़ा लाजमी पढ़कर सोना है, चंद दिन चंद हफ्ते रोज़ाना पढ़िए, कमालात देखने वाले होंगे। तीसरी बात, यह वसीफ़ा आप दुकान, दफ्तर, कारोबार जब चाहें पढ़ सकते हैं, औरतें ख़ास अयाम में भी पढ़ सकती हैं। आप इसके अलावा अगर किसी को कोई मसला है, कोई ज़ाती मसला है, किसी भी तरह का मसला है, आप कमेंट्स में अपने मसले को बताइए, आपको फौरन रिप्लाई किया जाएगा। हमने एक ऐसा निज़ाम, ऐसी टीम इकट्ठी की है जो आपके मसाइल की, आपके परेशानी की, मुसीबत की कमेंट्स में फौरन जवाब देगी और जल्द ही आपको वजीफ़ा या आपकी मदद के लिए रहनुमाई फरमाएगी। खुदारा अपने मसाइल को कमेंट्स में पेश कीजिए। हमारा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। जैसे ही आपका मैसेज, आपका कमेंट आएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हम सब पर नज़र करम फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।